good morning students myself ashok kumar lecturer in english government senior secondary school dhindhar blocks malka district panipat students in today's lecture we are going to discuss a very important topic of writing skills that is advertisement writing or you can say how to draft an advertisement this is our second lecture and in our first lecture we discussed meaning of advertisement Purpose of advertisement, art of drafting an advertisement, types of advertisement, and particular format of drafting an advertisement. In this lecture, we will discuss some more examples of advertisement writing. So, first of all, let us review meaning. ज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट को हिंदी में आप विज्ञापन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एड कहते हैं एडवर्टीजमेंट इज ए मैसेज दैट कैन बी कन्वेड थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया सच एज न्यूज पेपर्स मैगजींस टेलीविजन एंड रेडियो तो एडवर्टीजमेंट एक मैसेज होता है जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है लोगों के एक निश्चित समूह तक पहुंचाया जाता है और उसमें हेल्प ली जाती है मीडिया के अलग अलग रूपों की जिनमें न्यूजपेपर्स मैगजीन्स टेलीविजन और रेडियो शामिल है अब बात करते हैं पर्पज की तो पर्पज जो हैं उनमें सबसे पहले आता है टू परसुएड टू परसुएड ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल टू बाई और टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाई द एडवर्टाइजर यह देखिए एडवर्टीजमेंट की जहां तक बात की जाती है तो एडवर्टीजमेंट जो दी जाती हैं आप जो देखते हैं टेलीविजन के ऊपर आप रेडियो में सुनते हैं न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स में आप पढ़ते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट्स बनवाई जाती हैं और दी जाती हैं एक एडवर्टाइजर के द्वारा और एडवर्टाइजर का क्या मकसद रहता है टू परसुएड टू परसुएड का यहां मीनिंग रहेगा टू मोटिवेट यानी कि तैयार करना सही सिंपल वर्ड्स में आप समझे किसको तैयार करना टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के एक निश्चित समूह को अब यह बात क्यों कही गई है क्योंकि हर एक पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है सभी लोगों के रुचियां इंटरेस्ट एक जैसे नहीं हो सकते तो टू परसुएड ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल टू बाई और टू परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाई द एडवर्टाइजर तो एडवर्टाइजर चाहता है कि उसकी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उसके द्वारा बेचने के लिए जो प्रोडक्ट या आप कहें जो उत्पाद और जो सेवाएं हैं जो उपलब्ध करवाई गई हैं उनको परचेज करने के लिए लोग या लोगों का जो समूह है वो परसवेड हो जाए तैयार हो जाए वो मोटिवेट हो जाए कि हमें तो यही प्रोडक्ट हमें तो यही सर्विस परचेज करनी है खरीदनी है अब आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं सुनते हैं जो एडवर्टीजमेंट जितनी ज्यादा इंप्रेसिव होती है देखने में सुनने में पढ़ने में जितना ज्यादा हमें मजा आता है उतने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ हम उस एडवर्टीजमेंट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर हम चाहते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की वो एडवर्टीजमेंट है हम उसको बाई करें हम उसको परचेज करें तो ये फर्स्ट पर्पज हो गया टू परसुट सेकेंड है प्रोमोशन जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसको प्रोमोशन की बात आती है प्रमोशन मीन्स टू प्रोमोट बढ़ावा देना तो एडवर्टीजमेंट की हेल्प ली जाती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट या न्यू बिजनेस या न्यू सर्विस के प्रमोशन के लिए उसको प्रमोट करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए अब आपका थर्ड पर्पज आता है मार्केटिंग मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहा जाता है लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे टू बाई और टू सेल खरीदना और बेचना खरीद फ्रोक्त जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग की बात आती है तो सबसे ज्यादा वहां पर हेल्पफुल रहती है एडवर्टीजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस एडवर्टीजमेंट का रहता है वो है पब्लिसिटी यानी कि प्रचार जिस भी प्रोडक्ट का जिस भी बिजनेस का जिस भी कंपनी का जिस भी सर्विस का जितना ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रेसिव वे से प्रचार किया जाता है पब्लिसिटी की जाती है उतनी ही ज्यादा उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है और वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट देखिए एडवर्टीजमेंट हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ ट्वेंटिय सेंचुरी अब ये एक आर्ट है एडवर्टीजमेंट राइटिंग और आप कहें हाउ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट ये एक आर्ट है और उस आर्ट के अंदर कला के अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो फर्स्ट ये है कि इट शुड नॉट बी क्लटर्ड 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 मींस अव्यवस्थित यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तैयार की गई हो उसकी ड्राफ्टिंग की गई हो और वो व्यवस्थित होनी चाहिए अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए जो अगर एड आपकी क्लटर्ड फॉर्म में होगी तो लोग उससे इंप्रेस नहीं होंगे और एडवर्टीजमेंट का जो मकसद है वो फुलफिल नहीं होगा अब नेक्स्ट कि जो एडवर्टीजमेंट है वो शॉर्ट हो ब्रीफ हो यानी कि शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सबके पास है समय की कमी हम सबके पास है इसलिए जो एडवर्टीजमेंट है वो शॉर्ट हो ब्रीफ हो और टू दी पॉइंट हो ऐसा नहीं कि बहुत लंबी बहुत बड़ी एड हो और उसके अंदर इधर उधर की बातें बतलाई जाती रहें और कहीं बहुत देर बाद पता चले कि ये एडवर्टीजमेंट उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से रिलेटेड है तो ऐसी जो एड्स हैं वो इंप्रेसिव नहीं होती हैं एडवर्टीजमेंट आपकी ब्यूटीफुल लगनी चाहिए सुंदर लगनी चाहिए टेस्टफुल लगनी चाहिए यानी कि लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनके टेस्ट को मैच करती हुई होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उस एडवर्टीजमेंट को देखें और जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस की वो एडवर्टीजमेंट है उसकी जो चैलेंज फीचर्स हैं स्पेशल फीचर्स हैं उन पर वो ध्यान दें और उस प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने के लिए एकदम से फटाफट तैयार हो जाए तो एडवर्टीजमेंट जो है वो क्लटर्ड फॉर्म में ना हो ब्रीफ होनी चाहिए शॉर्ट हो टू पॉइंट हो ब्यूटीफुल होनी चाहिए और टेस्टफुल होनी चाहिए साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट का नेम है या आप कहें जो टाइटल है वो आप बोल्ड लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में आपको जरूर लिखना है अब बात करते हैं टाइप्स की जो एडवर्टीजमेंट है उसकी कितनी या किस प्रकार की टाइप्स हो सकती हैं अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं आप इस तरीके से समझें अलग अलग तरीके की जो एडवर्टीजमेंट है उनकी अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं तो टाइप्स को शो करने के लिए हम यहां टाइटल मेंशन करते हैं शीर्षक देते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन वैकेंट यानी कि जॉब से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट है उनमें आप टाइटल लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा सिचुएशन वैकेंट या सिंपली आपको एक इंस्टीट्यूट के लिए क्लर्क की जरूरत है तो आप लिखेंगे वॉन्टेड क्लर्क अगर आप एक हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर की जरूरत है तो टाइटल आप लिखेंगे वॉन्टेड अ डॉक्टर अगर आपको एक स्कूल के लिए टीचर की जरूरत है तो आप लिखेंगे वॉन्टेड अ टीचर एक कोई कंपनी है उसको इंजीनियर की जरूरत है तो आप लिखेंगे वॉन्टेड एन इंजीनियर या तो आप वॉन्टेड टीचर वॉन्टेड में लिखें अदरवाइज सभी के लिए आप लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट एस आई टी यू ए टी आई ओ एन सिचुएशन वैकेंट वी ए सी ए एन टी यहां पर टाइटल की जगह आप लिख देंगे उसके बाद में नेक्स्ट टाइप है गुड्स एंड सर्विसेज किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी सर्विस से रिलेटेड अगर एडवर्टीजमेंट है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर सर्विस का जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में बोल्ड लेटर्स में आप यहां बिल्कुल ऊपर मेंशन कर देंगे केवल यहां पर आपको कुछ नहीं सोचना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर सर्विस का नेम यहां मेंशन कर देना है नेक्स्ट बात है लॉस्ट एंड फाउंड हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है लॉस्ट एंड फाउंड अगर हमारी कोई चीज गुम हो गई है अगर हमें कोई चीज मिल गई है तो आप यहां टाइटल डालेंगे दोनों ही सूरत में चाहे कोई चीज गुम हो गई है चाहे कोई चीज मिल गई है तो आप टाइटल लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड अब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स के अंदर एडवर्टीजमेंट फॉर सेल हमने डिस्कस किया था ए फ्लैट फॉर सेल इसी तरीके से कार अगर आपको बेचनी है तो टाइटल होगा कार फॉर सेल हाउस कोई मकान आपको बेचना है टाइटल होगा हाउस फॉर सेल और उसी तरीके से अगर आपको अपना कोई थिंग है प्रोडक्ट है कोई सर्विस है पर्टिकुलरली हम जैसे कोई हमारा फ्लैट है उसको हमने रेंट पे देना है किराए पे देना है बेचना नहीं है तो टाइटल आप लिखते हैं टू लेट टी ओ टू टी लेट टू लेट अगर प्रॉपर्टी को फ्लैट को हाउस को कार को स्कूटर को बाइक को बेचना है तो टाइटल होगा फॉर सेल और फ्लैट को या हाउस को रेंट पे देना है तो टाइटल होगा टू लेट ये आपको ध्यान रखना है बोल्ड लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में आपको ये टाइटल्स लिखने होंगे जोनसी भी पर्टिकुलर फॉर्म की पर्टिकुलर टाइप की एडवर्टीजमेंट आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे अब बात करते हैं फॉर्मेट की देखिए हमने आपको बताया है कि जो आप एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए अब यहां आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपका टाइटल आ जाएगा वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट किस बारे में नेक्स्ट हम देखिए हमने लिखा है इंट्रोडक्शन कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इंट्रोडक्शन कहें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इंट्रोडक्टरी लाइंस कहें ये फॉर्मल बिगनिंग फॉर्मल बिगनिंग ऑफ एन एडवर्टीजमेंट है एक एडवर्टीजमेंट की औपचारिक शुरुआत है अब ये कैसे होती है ये जब हम अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट हम लिखते हैं या तो आप लिखें मेन फीचर्स या आप लिखेंगे सैलियंट फीचर्स या डिस्क्रिप्शन या रिक्वायरमेंट्स उसके बाद में फोर फाइव मेन आप फीचर्स लिख सकते हैं फीचर्स लिख सकते हैं और लास्ट में आपको प्लीज कॉन्टेक्ट इस तरीके से या आप लिखते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स और फिर उसके बाद में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालना बहुत जरूरी है क्योंकि जो जो लोग आपकी एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद सुनने पढ़ने के बाद इंप्रेस होंगे प्रभावित होंगे वो उसको परचेज करना चाहेंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे कांटेक्ट करने का क्या तरीका होगा वो आपके एड्रेस पे, आपके फोन नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेंगे इसलिए एक अच्छी एडवर्टीजमेंट के अंदर एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल्स हमेशा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं सबसे पहले टाइटल आएगा उसके बाद में इंट्रोडक्शन आएगा फॉर्मल बिगनिंग हो जाएगी एडवर्टीजमेंट की चलना पड़ेगा या तो आप मेन फीचर्स लिखें या सेलेंज फीचर्स लिखें या कोई पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में आप बता रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसके बाद में आप अगर कोई जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है सपोज आपको कोई डॉक्टर चाहिए इंजीनियर चाहिए तो वहां आप लिखते हैं रिक्वायरमेंट्स इंट्रोडक्शन के बाद में सेलिंग फीचर्स या डिस्क्रिप्शन या रिक्वायरमेंट्स अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा फिर फोर फाइव मेन फीचर्स मेन डिस्क्रिप्शन मेन रिक्वायरमेंट्स आप यहां मैंशन कर देंगे और सबसे लास्ट में आप एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे तो इस तरीके से अब क्या हो गया उसके बाद आप इसके चारों तरफ बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर देंगे यानी कि इसको आप एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे तो देखने में एडवर्टीजमेंट अच्छी लगती है और यह पर्टिकुलर फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट राइटिंग का रहता है अब हम डिस्कस करते हैं सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वैकेंट अब यहां फॉर्मल बिगनिंग आप कैसे करेंगे देखिए सपोज आपको एक हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर की जरूरत है तो आप यहां लिखेंगे वांटेड ए डॉक्टर For the most reputed hospital of the city. बस इतना आपको लिखना है वॉन्टेड अ डॉक्टर फॉर द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ द सिटी इतना आप लिख देंगे और उसके बाद में आप यहां जैसे हमने बतलाया था कि मेन फीचर्स डिस्क्रिप्शन ऐसे आपको लिखना है तो आप यहां इस तरह की जो जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होंगी उनमें आप लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपको जरूरत क्या क्या है आपको चाहिए क्या एक डॉक्टर में क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज चाहिए एक डॉक्टर में जिसको आप अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स यहां आप लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेल क्वालिफाइड वेल well क्वालिफाइड यहां आप एम बी बी एस एम डी जो भी डिग्रीज लिखना चाहें वो आप मेंशन कर सकते हैं इसके बाद में आप यहां मेंशन करेंगे वेल well एक्सपीरियंस्ड अच्छा अनुभव होना चाहिए इसके बाद में आप लिखेंगे organizational स्किल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इसका मतलब होगा संस्थागत कौशल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए चलाने के लिए स्किल्स चाहिए कैरी ऑन करने के लिए स्किल्स चाहिए कौशल चाहिए वो उस डॉक्टर में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नेक्स्ट डेडिकेटेड कि वो अपने काम के प्रति समर्पित हो या तो आप अलग से भी लिख सकते हैं नहीं तो इसी के साथ में आप लिख सकते हैं डेडिकेटेड एंड सिंसियर नेक्स्ट आप पंक्चुअल इसी में भी ऐड कर सकते हैं अलग से भी लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग मेहनती भी हो समय के पाबंद भी हो यानी कि एक डॉक्टर के अंदर एक अच्छे डॉक्टर के अंदर जो जो स्पेशल क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप बगैर सोचे बगैर क्रेमिंग किए आप अपने हिसाब से यहाँ स्पेशल क्वालिटीज़ में मेंशन कर सकते हैं कोई कहीं से आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है अब बात आती है सैलरी की तो आप यहाँ सैलरी में मेंशन कर देंगे या तो सपोज आप ऐसे करें फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ या रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ या आप लिख सकते हैं नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट का मतलब है कि जो भी इन क्वालिटीज को लिए हुए डॉक्टर हमारे यहां अपॉइंट किया जाएगा जिसमें ये सभी क्वालिटीज होंगी उसके लिए सैलरी की कोई लिमिट नहीं है कोई बार नहीं है जिस भी सैलरी के ऊपर वो पर्टिकुलर डॉक्टर खुश होकर के राजी होकर के हमारे यहां ज्वाइन करेंगे उनको उनकी मनचाही सैलरी दी जाएगी इसका मतलब यह हो गया सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट और लास्ट में हमने आपको बताया था आपको जरूर लिखना है प्लीज कॉन्टेक्ट या फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट तो आप यहां देखिए हम मेंशन कर देते हैं एबीसी हॉस्पिटल और अपनी तरफ से हम यहां लिख रहे हैं अदरवाइज आपको एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स वही प्रोवाइड करवानी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन में दी गई है एबीसी हॉस्पिटल कॉमा कैंप कॉलोनी कॉमा न्यू दिल्ली और आप यहाँ फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल नाइन एट क्रॉस 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 ऐसे वन वन फोर ये आप इस तरीके से कांटेक्ट नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं और जब आपकी एडवर्टीज़मेंट कंप्लीट हो जाती है तो इसके चारों तरफ आप ये बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो एडवर्टीजमेंट का है वो तैयार हो जाता है स्टार्टिंग में आपने टाइटल लिखा है उसके बाद में आपने इसकी फॉर्मल बिगनिंग कर दी है ये आपने यहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं या डिस्क्रिप्शन हैं या मेन फीचर्स हैं वो आप मेंशन करके यहां पर जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको लिख देंगे मेंशन कर देंगे क्लियरली इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स फॉर्म में और फिर आप प्लीज कांटेक्ट यानी कि यहां पर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी तरीके से आप जो वांटेड ए टीचर वांटेड एन इंजीनियर वांटेड ए क्लर्क ये इस तरीके से आप मेंशन करके रिक्वायरमेंट्स में आप वही स्पेशल फीचर्स जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन में रिक्वायर्ड हैं होनी चाहिए वो आप मेंशन कर देंगे यानी कि आपको क्रैमिंग करने की एटलीस्ट कोई जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा हमने आपको बताया दोनों तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा लेंथ उस एडवर्टीजमेंट के अंदर डाल देते हैं बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट आप बना देते हैं उसका कोई यूज नहीं है उतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट को कोई नहीं देखेगा तो इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है उसके लिए वर्ड लिमिट भी रखी गई है वो है 50 वर्ड्स तो 50 वर्ड्स में आपको ये सारा काम करना है अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिफ्टी वर्ड से हो सकता है ज़्यादा हो गए हों तो कोई हमारे ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप इनमें से कोई पॉइंट्स जो हैं रिमूव भी कर सकते हैं हटा भी सकते हैं अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं तो ये आपकी सिचुएशन वैकेंट का एग्जाम्पल हो गया अदर एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से इस एग्जाम्पल को देख करके सीख करके कर सकते हैं अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट की देखिए फॉर एग्जाम्पल हम एक टूथपेस्ट की बात करते हैं और उस टूथपेस्ट का हमने टाइटल दिया है नाम दिया है वो है डेंटो टूथपेस्ट और यहां फॉर्मल बिगनिंग हम कर देंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनिंग टिथ यूज डेंटो टूथपेस्ट आप यहां पर टूथपेस्ट का नेम मेंशन कर सकते हैं डेंटो टूथपेस्ट फॉर स्ट्रॉग एंड शाइनिंग टिप्स यूज डेंटो टूथपेस्ट अब यहां पर आप क्या करेंगे कि ये जो टूथपेस्ट है इसकी स्पेशलिटीज मेंशन कर देंगे स्पेशलिटीज इस तरीके से आप यहां मेंशन करेंगे अब एक अच्छी जो टूथपेस्ट है उसमें सबसे बड़ा क्या गुण होना चाहिए तो ये आपका हो जाएगा चेक्स मींस रोकती है डेइंग टूटना झड़ना घटना ऑफ टीथ फर्स्ट फीचर होगी नेक्स्ट जैसे मेडिसिन में आप लिखते हैं कई प्रोडक्ट्स में आप लिखते हैं नो केमिकल्स नो साइड इफेक्ट्स इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो अगर वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं मिल ही नहीं रहा तो भी अच्छी बात नहीं है इसलिए आप मेंशन करेंगे easily available in the market. Next point आपका हो जाएगा available in different sizes. अलग अलग साइज़ेस में ये अवेलेबल है और इसका आप एम भी लिख सकते हैं एम आर पी रुपीज हंड्रेड पर हंड्रेड ग्राम्स और आप कर सकते हैं पर पैक पर पैक भी यहां पर आप कर सकते हैं अब यहां एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर आप करेंगे क्योंकि एक प्रोडक्ट है इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है या तो आप शॉर्ट फॉर्म में एम एफ डी वाई नहीं तो आप लिखेंगे मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड बाय अब यहां कंपनी का नेम आप मेंशन कर देंगे डेंटो कंपनी और उसके बाद में कोई और एड्रेस आप लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है आपके क्वेश्चन में दिया गया है कैंप कॉलोनी न्यू दिल्ली और यहां आप फोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हो गया इसी तरीके से जो अदर प्रोडक्ट्स हैं अदर सर्विसेज हैं उनकी भी एडवर्टीजमेंट को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं Lost and found. आपका कोई आइटम है कोई थिंग है वो गुम हो गई है या आपको मिल गई है तो दोनों ही सूरत में आप टाइटल लिखेंगे लॉस्ट एंड found. तो अब यहां फॉर्मल बिगनिंग आप कैसे करेंगे लॉस्ट ए बैग yesterday. नियर न्यू बस स्टैंड लॉस्ट ए बैग नियर न्यू बस स्टैंड अब आप यहां पर मेंशन करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन देंगे कि वो बैग था जो वो कैसा था सबसे पहले आप मेंशन करते हैं कि किस कंपनी का था तो पर्टिकुलर कंपनी का हम कोई नेम यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं आप अपनी तरफ से मेंशन कर लीजिएगा यहां पर हमने लिखा एबीसी कंपनी उसके बाद में आप बैग का जो है क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं साइज मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कलर मेंशन किया है तो आप यहां रेड कलर ये आपने मेंशन कर दिया ब्लैक हैंडल ये आपने मेंशन कर दिया और उसके बाद में आप लिखते हैं कंटेंस आई कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड यानी कि इस बैग के अंदर मेरा आई कार्ड भी है पहचान पत्र भी है और फर्दर आप लिखते हैं कंटेंस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो यहां पर आप मेंशन इस तरीके से कर देंगे और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि स्पेशल रिवॉर्ड इज प्रोमिस्ड यानी कि जो भी मेरा ये बैग मुझे ढूंढ के देगा उसके लिए स्पेशल रिवॉर्ड की जरूरत है स्पेशल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस्ड और आप यहां मेंशन कर देंगे प्लीज कॉन्टैक्ट इसी तरीके से आप यहां एड्रेस मेंशन कर सकते हैं वन 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 कैंप कॉलोनी न्यू दिल्ली और फिर आप फोन नंबर यहां पर मेंशन कर देंगे प्लीज कांटेक्ट तो ये एड्रेस एंड कांटेक्ट डिटेल्स लिखना जरूरी है टाइटल लिखना बहुत जरूरी है डिस्क्रिप्शंस मेन फीचर्स साइलेंट फीचर्स मेंशन करना बहुत जरूरी है और क्लियरली आप मेंशन करें ज्यादा अच्छा रहता है एडवर्टीजमेंट फॉर सेल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था थोड़ा सा उसको यहां पर और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने एडवर्टीजमेंट फॉर सेल की जो एडवर्टीजमेंट है उसको ड्राफ्ट किया था अब आप यहां देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लैट फॉर सेल अब यहां फॉर्मल ब्रिगनिंग आप करेंगे ए न्यूली बिल्ट फ्लैट इज अवेलेबल फॉर सेल से फीचर्स देखिए आप एक फ्लैट एक हाउस रेंट पे लेना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं परचेज करना चाहते हैं उसके अंदर जो मेन फीचर्स आपको चाहिए वो वही चाहिए जो बेहद जरूरी होती हैं जो बेहद कॉमन होती हैं तो आप यहां मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल थ्री बी के बेडरूम हॉल किचन नेक्स्ट आप लिखेंगे अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथरूम नेक्स्ट मॉड्यूलर अत्याधुनिक जो रसोई है किचन है मॉड्यूलर किचन ए बिग हॉल आप मेंशन कर सकते हैं लॉन मेंशन कर सकते हैं पार्किंग फैसिलिटी, बिग एंड एयरी रूम्स नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट ये सभी अच्छे फ्लैट अच्छे हाउस की जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उनके अंदर आता है और फिर आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑब्लिक कॉस्ट तो यहां आप लिख सकते हैं या तो कॉस्ट इन रुपीज आप लिखें 50 लैक्स वन करोड़ रुपीज या खाली लिख सकते हैं नेगोशिएबल भाई बातचीत करके हम ये तय कर सकते हैं और फिर आप यहां पर प्लीज कॉन्टैक्ट ये लिख देंगे वन 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 कैंप कॉलोनी न्यू दिल्ली और फोन नंबर फिर आप यहां मेंशन कर सकते हैं अब देखिए अगर यही फ्लैट है ये आपने रेंट पे देना किराए पे देना बेचना नहीं है तो आप थोड़ा सा चेंज यहां पर करेंगे एक तो आप टाइटल के अंदर आप चेंज कर देंगे टाइटल आपका आ जाएगा किराए पे देने के लिए टू लेट और ये एन्य बिल्ट फ्लैट इज अवेलेबल फॉर सेल की जगह आप पेंशन कर देंगे ऑन रेंट सेलेंट फीचर्स मेन फीचर्स एक फ्लैट के अंदर सभी वही रहेंगी और यहां जो एक्सपेक्टेड प्राइस या कॉस्ट आपने लिखा था वहां पर आप रेंट मेंशन कर सकते हैं ये रेंट भी नेगोशिएबल हो सकता है या आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो एक्सपेक्टेड प्राइस की जगह जो टूलेट वाली एडवर्टीजमेंट है उसमें आप एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे और फिर उसी तरीके से प्लीज कॉन्टेक्ट करके एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा देंगे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग और हाउ टू राइट हाउ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट ये जो आपका राइटिंग स्किल्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर को देखने सुनने के बाद आपको काफी इजी लगेगा थैंक्स डे